सब्सक्राइब करें छड़जिकला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। तो बुलेटिन की शुरुआत में एक नज़र मार लेने हैं हुण तक दीआं खास खबरों ते। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने दिता विवादित बयान, कहा बीजेपी वर्कर वाल उंगल चुकण वाले नूं चुकाउणी पवेगी कीमत। लोगों नूं संबोधन करदिआं कीती विवादित तकरीर। भारतीय रेलवे ने किया अहम ऐलान, हुण बिना पैसों के भी कन्फर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं लोग। रेलवे ने निजी एजेंसी ई पे लैटर नाल किया करार। साबका कांग्रेसी आगू जगमीत बराड़ बादल परिवार की हाजिरी में श्रोमणी अकाली दल में शामिल। प्रकाश बादल ने की रज के तारीफ, कैप्टन ने ट्वीट करके जगमीत बराड़ की की आलोचना। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने धमकी दी है कि जो भी व्यक्ति किसी बीजेपी वर्कर के वाल उंगल चुकेगा उसनों सिर्फ चार घंटे में इसकी कीमत चुकानी पवेगी। गाजीपुर सीट तो मुड़ चोणा लड़ रहे सिन्हा ने वीरवार शाम जिला दफ्तर तो करीब 40 किलोमीटर दूर सैदपुर इलाके में किसान पंचायत सम्मेलन में संबोधन करदिया यह गल कह दी। 59 साल सांसद ने कहा कि बीजेपी वर्कर भ्रिष्टाचार और अपराधिक गतिविधियों के जरिए इकट्ठी की गई आमदन खत्म करने के लिए तैयार ने। उन्होंने भरोसा दवाया कि जे किसी बीजेपी वर्कर के वाल कोई उंगली उठे तो अगले चार घंटे में वह उंगली सलामत नहीं रहेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वांचल की कोई अपराधी गाजीपुर में नहीं बढ़ सकता, ना ही बीजेपी वर्करों टेढ़ी निगाह के वेख सकता है। जे किसी ने अजिहा करने की हिमाकत की तो उसकी अखा भी नहीं रहनगियां। दस दिए कि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा माफिया तो लीडर बने मुख्तार अंसारी के भरा अफजल अंसारी के खिलाफ चोन लड़ रहे ने। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में वड्डी राहत देने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हैं IRCTC ने सर्विस लॉन्च की है। इस नाल तुसी बिना पैसों के भी कन्फर्म टिकट बुकिंग कर सकते हो। बिना पैसों के बुकिंग करवाने के लिए IRCTC से रजिस्टर्ड खाता होना जरूरी है। इस सर्विस के लिए IRCTC ने निजी एजेंसी ई पे लैटर के नाल कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इस के तहत टिकट बुकिंग के 14 दिन बाद पैसों का भुगतान किया जा सकता है। इस ऑफर के तहत यूजर के IRCTC खाते से क्रैडिट लिमिट मिलेगी। क्रैडिट लिमिट का बैलेंस यूजर के मुताबिक वख-वख हो सकता है। ऑनलाइन टिकट उन्ने पैसों की ही ली जा सकेगी जिन्ने पैसों में तुहाडी क्रैडिट लिमिट में बैलेंस होगा। जे गाहक 14 दिनों तो पहला पैसे दे देंगे तो लिमिट हौली हौली बढ़ती जाएगी, जबकि तय समय से भुगतान न करने वाले की क्रैडिट लिमिट घट की जा सकती है। ध्यान देने योग गल है कि जे तुसी ई पे लैटर तो टिकट बुक करनी है तो 3.5% का वाधू सर्विस चार्ज देना पवेगा। 14 दिनों के अंदर टिकट का भुगतान न करने वाले गाहकों को ब्याज भी देना पवेगा। साबका संसद मैंबर और साबका कांग्रेसी आगू जगमीत सिंह बराड़ आज श्रोमणी अकाली दल के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठ अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली दल में शामिल होने तो बाद सुखबीर बादल ने जगमीत बराड़ के सिरे पाओ पा के उन्होंने गुलवकड़ी पाई। इस विशेष मौके पर पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने परिवार के समेत शामिल ने। मिली जानकारी अनुसार बराड़ के समर्थकों का यह इकट्ठ उन्होंने घर श्री मुक्तसर साहब विखे जुड़िया। इस मौके से साबका विधायक रिपजीत सिंह बराड़ और होर आगू भी अकाली दल में शामिल हुए। दस दिए कि जगमीत सिंह बराड़ श्रोमणी अकाली दल के नाल नाल बादल परिवार के कट्टर विरोधी रहे ने। जगमीत श्रोमणी अकाली दल के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह के खिलाफ 3 बार संसदीय चोणा लड़ भी चुके हैं। कांग्रेस तो इलावा कांग्रेस तिवाड़ी और तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल होकर सियासी रस्ता भाल रहे जगमीत वालों पहला आप और हुण कांग्रेस या भाजपा में शामिल होकर किसी हल्के तो पार्लीमेंट चो लड़न दाव पेच लाए गए सन, पर इन्हां पार्टियां ने इन्हों अणदेखा कर दिता। अकाली दल में शामिल होने तो बाद जिथे जगमीत बराड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से निशाना साधिया, उथे ही प्रकाश सिंह बादल ने खुल दिली दे नाल जगमीत बराड़ नू पार्टी विच जी आया कहा। सब आज मैं दिलों इन्ना खुश हां, इन्ना बड़ा मैनू देख खुशी है कि सरदार जगमीत सिंह बराड़ उन्हां दे भाई साहब सारा परिवार बेटियां भैणा होर रिश्तेदार उन्हां दी टीम सारे इत्थे आए हो। मैं सुखबीर कहना भी घुट के जप्पी पा ला, पर हम इन फड़ के अंदर दे दो, कोई सिट बिठा दो, कोई कमीशन मुकर कर दो। मतलब की है? मतलब यही है कि किवें ना किवें बादलों कमजोर
कमजोर किया जाए। भाई बादल नहीं कमजोर होते चाहे ज्योति संघ के नाते ना आए। ये दिल चो वह होना सोची जाते हैं कि बठिंडे तो किनू खड़ा करिए, फिरोजपुर तो किनू खड़ा करिए। ऑल इंडिया पार्टी है तो अजे तक तो फैसला नहीं कर सकी। मैं नहीं कद एक्सपैक्ट करता सी कि असं एक दूजे के मैसेजेस भी दिखावे, मैं कदे नहीं दिखावगा। मैं कदे उन्होंने वालों भेजे मैं स्नेह उन्होंने जिक्र करा, क्योंकि मोरैलिटी एथिक्स ये डिमांड नहीं करते। लेकिन ये एक सच्चाई है कि कैप्टन साहब 13 साल अकाली दल में चले गए सन। कैप्टन साहब तलवंडी साबो तो अकाली दल के एम एल ए रहे, वह मंत्री रहे सुरजीत सिंह बरनाला नाल, वो 14 वरे अकाली दल दे विच शामिल रहे। तो मैनू अगर कांग्रेस दे विच कोई कहिंदे ने कि मैं तरलो मच्छी हो रहा सी या मैं कांग्रेस जाना चाहुंदा सी, मेरी पेरेंट पार्टी सी, मैनू बुला के 3 दिन पहला भी ये सुनेहा आया और हाईएस्ट लैवल तो सुनेहा आया जो मैं मिल चुकिया सी श्रोमणी अकाली दल नूं कि आओ गलबात लई असीं तैयार हैं और तुहानू जो कहोगे असीं लोक सभा की सीट बारे विचार कर सकते हैं। मैं जुबान दे चुका कॉल ते करार करके उदे तो पिछे हटना मर्द का काम नहीं। तो मैनू ये दसिया गया कि अकाली दल के प्रधान जिदे नाल कॉल ते करार कर लेंगे है वो पिछे नहीं हटते, इस करके मैं उन्हों का वादा निभा दिता। उधर पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हां कोल बादलां नूं टिकाने लाउण दी पेशकश करन वाले जगमीत बराड़ ने खुद नूं बादलां दे पैरी सुट दिता है। कैप्टन ने बराड़ वल्लों उन्हां नूं व्हाट्सएप राहीं भेजे सुनेहे भी जारी किए जिस विच उह कांग्रेस विच शामिल होण दे लई उतावले हुंदे दिखाई दे रहे ने। चंडीगढ़ विच पत्रकारां दे नाल गल्लबात करदिआं मुख्यमंत्री ने जगमीत बराड़ बारे कहा कि उह सियासत विच आउण लई इन्ने काले सन कि किसी भी ढंग नाल इस नूं हासिल करना चाहुंदे सन। कैप्टन ने कहा कि अजिहे मौका प्रस्त लोकां दे लई कांग्रेस विच कोई थां वी नहीं। मेरे को 8 उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे पास पहली तरीक से लगे हुए हैं कि कांग्रेस में शामिल होना है। हमारी लीडरशिप से दिल्लियों मिले हैं, सब ने कह दिया कि जो ऐसे लीड हैं जो इनडिसिप्लिन रखते हैं, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के खिलाफ बोले हैं, सोनिया जी के टाइम पे उनको सबैटिकल चले जाएं, ऐसी बातें करते हैं, वो हमारी पार्टी में जगह नहीं होगी। सो वी डिड नॉट टेक हिम। इसके बावजूद कि 2 हफ्ते से डेली मिलते रहे कि हमें मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। उधर श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होने तो बाद जगमीत बराड़ ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किए गए खुलासे ते श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने जवाबी हमला बोलिया। सुखबीर बादल ने कहा है कि यह बहुत छोटी गल है, इस नाल उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इस दे नाल सुखबीर बादल ने जगमीत दा पार्टी विच स्वागत करदिआं कहा कि वह एक मेहनती आगू ने अते उन्हां दे आउण दे नाल अकाली दल होर मजबूत होवेगा। सुखबीर बादल ने भी कहा कि मैं पहली चोण जगमीत बराड़ खिलाफ ही लड़ी सी अते मैं बराड़ तों बहुत कुछ सीखा है। उन्हें कहा है कि जगमीत बराड़ दी घर वापसी हुई है अते उन्हां दा पूरा परिवार इस मौके जगमीत दा स्वागत करदा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੌਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ।
उधर पंजाब दे कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल विच शामिल होने वाले जगमीत बराड़ बाबत कैप्टन अमरिंदर सिंह नालों वखरी राय का इजहार किया। उन्हें कहा कि जगमीत बराड़ बहुत ही देर अकाली दल बादल विच नहीं टिक सकणगे अते आगामी विधानसभा चोणां तों पहलां मुड़ कांग्रेस विच आ जाणगे। चंगी गल है, वह कांग्रेस शामिल होए है, पहला भी वह कई पार्टियां शामिल होए है, अच्छे इंसान है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद है अज द मेरी रिकॉर्डिंग तुम संभाल के रखियो कि अगले असैम्बली तो पहला फिर कांग्रेस आ जाएंगे, क्योंकि वह अकाली दल च रह नहीं सकते, ना उन्होंने उत्थे जी लगना, ना ही वो उत्थे टिक सकते हैं, इस करके फिर इत्थे आ जाना उन्होंने ते फिर साडे नाल काम करना। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से निशाना साध्या है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया सिवाए जुमलेबाजी करने के। अमृतसर में पत्रकारों के साथ गलबात दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब बीजेपी अपने हिस्से दी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने को कुछ कहन कतरन है ही नहीं। देखो, बीजेपी का जितना सवाल है, बीजेपी जे जो जुमले नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहला छड़े सीगे और वो जुमले तो बाकी सारे मुल्क दे विच तां कल्ले जुमले सी, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख हर किसी खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सारा कुछ छड़ के राजनीति उन्होंने की है, कौन की खाऊगा, की पहनूगा तो की कहूगा, इस करके अज वह माड़ी हालत ने। और स्पेशली वो कहते जिमें एक तो करेला उपरों निम चढ़िया, सोने के सागा उपर पंजाब दे विच अकाली दल ने फेर रखे, उन्होंने ये समझ नहीं आ रही है कि जिहड़े 3 सीटां ने उन्होंने उपर जमानता जब्त होने के डर की वजह करके बीजेपी आपके 3 कैंडीडेट है जिहड़ा वो ऐलान दे विच असफल हो रही है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दी धर्मपत्नी अते साबका CBS नवजोत कौर सिद्धू ने एक अहम बयान दिंदिया दावा कीता है कि साबका रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने उन्हां दे नाल एक मुलाकात दौरान कहा कि फौज दे हेठली पद्धर दे अधिकारी किसी हद तक पैसे लैके काम करदे ने। काबले गौर है कि नवजोत कौर सिद्धू वल्ला नेड़ले इलाके दे विकास कार्ज दा जायजा लैण लई पहुंचे सन। किसी किसी को घर बिल्डिंग बनाने दे रहे हो, पर जब मैं कह रही हूं कि मैंने सीवरेज बनाना है, मंडी में ठीक सुविधा देनी है, लोगों के लिए काम करना है, तब आप मुझे कहते हो कि यहाँ पे डंपर है मैडम, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये वाली लड़ाई हुई थी, अब क्रिमेशन ग्राउंड है, क्रिमेशन ग्राउंड पे वो बात हो रही थी, जब हमने वहाँ पे 4 दीवारी की, वो तो सच्चाई है ना, जहाँ क्रिमेशन के लिए तो सबने जाना है, सबके रिश्तेदार रोते हैं, वहाँ पानी भी ना हो, टॉयलेट भी ना हो, बैठने की जगह भी ना हो, जब हमने 4 दीवारी शुरू की, आर्मी वालों ने आके दीवार तोड़ी, वहाँ का पैसा उठाना पड़ा, तब उन्होंने कहा था कि लोकल लेवल पे नीचे आर्मी वाले पैसा लेके ऐसे काम करते हैं, जो कि हम मानते हैं कि गलत है, पर उनकी पिट सुनती है कि उन्होंने कहा था कि तू जाके जितना चाहती है वहाँ पे पैसा लगा, और हम वहाँ पे 12 से 15 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं। उधर नवजोत कौर सिद्धू वालों भारतीय फौज बाबत दिए गए बयान लैके बीजेपी काफ़ी औखी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि सिद्धू जोड़े वालों समय समय से अजिहे विवादित बयान दिए जाते रहे हैं जिन्हां दे नाल फौज की इज्जत में कोई कमी आती हो। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू वल्ला एमिग्रेशन डिपो के बाहर गई, वहां पर उन्होंने वल्ला के लोगों से कहा कि मैं इस डिपो को शिफ्ट कराने के लिए दिवंगत रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी से मिली थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि भारतीय सेना चोर है। मैं समझता हूं कि दिवंगत ईमानदार राजनेता श्री मनोहर पारिकर जी के बारे में ऐसी झूठी बातें कहना बड़ा ही शर्मनाक है। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भी पिछले दिनों सेना की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, अब नवजोत कौर सिद्धू द्वारा भारतीय सेना के बारे में ऐसी बातें कहना बहुत ही शर्मनाक है, घटिया है। मैं समझता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू के गले में पाकिस्तान प्रस्ती का, इमरान खान का पट्टा बंधा हुआ है, ये जब भी बात करेंगे सेना का मनोबल गिराने वाली बात करेंगे। मोगा जिले के पिंड चूड़चक विखे बिजली बोर्ड की कथित अणगहली के कारण बिजली के खंभे तो शार्ट सर्कट होने के कारण किसानों की 15 एकड़ के करीब कणक की फसल सड़ के सवाह होने का मामला सामने आया है। दसिया जा रहा है कि ज्यों ही अग भड़की तो किसानों ने फायर ब्रिगेड के अमले को फोन खड़काया, पर फायर ब्रिगेड वाले नहीं पहुंचे, जिसके कारण किसानों की 15 एकड़ रकबे में खड़ी कणक की फसल सड़ के सवाह हो गई, जिसनों लैके किसान काफ़ी परेशान नजर आए। उन्होंने सरकार तो बनते मुआवजे के भुगतान की मांग की है। 15 एकड़ जमीन मच चुकी है जी, बिजली वाले वड्डे खंभे तो अग लगी है, अग लोगों ने बुझाई है, कोई प्रशासन का बंदा इतने नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड वाले ने फोन किया सी, फायर ब्रिगेड ने फोन किया जी, मैं नानकसा से, मैंने फोन आया फायर ब्रिगेड सलीने पिंड तो वापस हो गई है, गाँ आई मेरे अखा के सामने वापस हो गई है जी, 15 किले टोटल जमीन मच चुकी है जी। ये कारण की है जी,
ਘਰ ਲੈਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਲਾਟਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੇਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 5 ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵੁਮੈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਵੂਮੈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 17/4/19 ਨੂੰ 376 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 32 ਸਾਲਾ ਰਾਧਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਧਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਧਾ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।